सब्सक्राइब कीजिए स्टडी फास्टर 24/7 चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे महत्वपूर्ण एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, स्वागत करता हूँ मैं आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है स्टडी फास्टर 24/7। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक शॉर्ट ऐसे जिसका टॉपिक है कश्मीर समस्या। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आने वाले SSC MTS टीयर 2 एग्जाम के लिए, अतः आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसका लाभ उठाइए। एक जरूरी बात आपसे बता दूं कि हम अपने चैनल पर समय समय पर ऐसे ही वीडियोज अपलोड करते रहते हैं जिनका टारगेट आने वाला SSC MTS टीयर 2 एग्जाम होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारे वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों ऐसे को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे दोस्तों इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार है, जम्मू एवं कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। इसके 3 प्रादेशिक क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। इस राज्य को लेकर जो भी विवाद है वह कश्मीर को लेकर है, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी बनी रहती है। कश्मीर का विवाद एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद है जिसे हम कश्मीर समस्या के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये तो रहा इंट्रोडक्शन, अब आते हैं मुख्य भाग की तरफ। मुख्य भाग का पहला पैराग्राफ है, कश्मीर समस्या भारत की आजादी के साथ जन्मी है। विभाजन के समय जम्मू एवं कश्मीर के राजा हरि सिंह अपने राज्य को स्वतंत्र रखना चाहते थे, लेकिन इसके विपरीत पाकिस्तान ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। ऐसे में उन्हें मजबूरन भारत से सैन्य मदद लेनी पड़ी तथा भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े। अब आते हैं दोस्तों अगले पैराग्राफ में। तो इसमें है, अक्टूबर 1947 में इस समझौते के आधार पर जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान लगातार अपना दावा करता है, उसने कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा भी जमा रखा है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र में चले जाने से यह मुद्दा अत्यंत जटिल हो गया है। अब आते हैं अगले पैराग्राफ में, इसमें है, आज कश्मीर में सीमा पार से आतंकवादी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, अलगाववादी स्वयं भी सक्रिय हैं। भारत के लिए सबसे दुखद बात यह है कि कश्मीर में आतंकवादियों की शव यात्रा में भीड़ उमड़ती है, देश विरोधी नारे लगते हैं, सैनिकों पर पथराव होता है। दोस्तों ये तो रहा ऐसे का मुख्य भाग, अब आते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष कुछ इस प्रकार है, कश्मीर भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है, अशांत कश्मीर को शांत करना भारत का कर्तव्य है। भारत को कोशिश करनी होगी कि कोई भी कश्मीरी युवाओं को भड़काने का काम ना कर पाए। अनुच्छेद 370 का एक सार्थक प्रयोग सिद्ध करना होगा। कश्मीरी जनमानस को यह विश्वास दिलाना होगा कि वे भारतीय हैं और उनका हित भारत के साथ है। यही अहिंसा का रास्ता होगा जिससे भारत कश्मीर समस्या को हल कर पाएगा। तो दोस्तों यह रहा कंप्लीट ऐसे कश्मीर समस्या पर। इस ऐसे के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबाएं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।